Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Hi friends, good morning, how are you all? Today is a weekend, so हम लोग breakfast खाने के बाद shopping करने जा रहे हैं। So now we have come to Malad वाले Decathlon because हम दोनों के ही ना रेनकोट्स लेने हैं, बिकॉज जो अभी वाले हमारे रेनकोट्स हैं हमारे पास वो 2 years पुराने भी हो गए हैं एंड थोड़े फट रहे हैं, तो इसीलिए ये देखो थोड़े ये हम गम्बूट्स भी ट्राई कर रहे हैं जैसे ऐसी मज़े के लिए। यहाँ पे रेनकोट्स बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे हैं बिकॉज किड्स के लिए दे ओनली हैव अपर्स मतलब जैकेट्स टाइप। इट्स वेरी फनी यू नो कि बॉटम्स नहीं है बट अभी समझ नहीं आ रहे हैं, तो वी आर नॉट बाइंग एंड वी आर गोइंग टू अदर प्लेस टू लुक फॉर रेनकोट्स। नाउ वी हैव कम टू D-Mart जो मलाड में एकदम Decathlon के साइड में ही है। सो वी आर ऑन द ग्राउंड फ्लोर नाउ और अभी हम लोग यू नो जैसे ट्रॉली ले रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। एंड नाउ वी हैव कम टू आवर फेवरेट सेक्शन इन दिस यू नो ऑन दिस फ्लोर विच इज़ द टॉफ़ी सेक्शन एंड चॉकलेट सेक्शन। यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की टॉफ़ी चॉकलेट्स हैं, तो हम इनमें से थोड़ी ले रहे हैं कुछ सेलेक्ट करके मम्मा की परमिशन के साथ ऑफकोर्स। और ये देखो ट्रॉली में ही हम दोनों ने ना अपने बैग्स भी रख दिए हैं। कौन सी टॉफ़ी ले यार इस सेक्शन में से, कोई ये ना ये तो नॉर्मल चॉकलेट है। जब यहाँ पे कुछ आए हैं तो कुछ अच्छी वाली लेते हैं ना मज़ेदार वाली, वो तो है ही। ये देखो सो नाउ वी हैव कम ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड रेनकोट्स एंड ट्राइंग बट यू नो वेरी थिन मटीरियल एंड इट्स कैंसल्ड बिकॉज ऐसा लग रहा है एकदम जैसे पॉलीथीन पहना हो बहुत ही थिन मटीरियल है, वेरी लुकिंग वेरी फनी नॉट एट ऑल गुड। दैट्स वाई वी आर लाइक नॉट गोइंग टू टेक इट, इट्स कैंसल्ड। अभी तक हमने लिया है ये कुशन पैड और थोड़े फुट मैट्स एंड कार्पेट्स क्योंकि ये बारिश वाले दिनों में रेनी सीजन में तो चाहिए ही ना बाथरूम में एंड डोर के लिए भी बिकॉज पूरा एकदम मक्की हो जाता है। दैट्स वाई एंड और भी बहुत छोटी चीज़ें ले रहे हैं हम लोग धीरे ऑयल और ये सब। ये देखो ये मुझे डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा और फ्लफी और सॉफ्ट भी है। I'm loving these dairies, they're so cute and you know school में ले जाने के लिए all it's perfect size. So now I'm choosing one of them because बहुत सारे colors and designs हैं, so I've now taken this purple one. Now we are at Banana Leaf for lunch. घर आ गए हैं और हमने पूरे क्लोथ्स चेंज कर लिए हैं, अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स में चेंज हो गए हैं पजामास में। सो आपको पता है क्या हुआ, वहाँ पे भी हमारे रेनकोट्स नहीं मिले D-Mart में, तो देन वी वेंट टू इरला, पर वहाँ पे हम लोग कुछ भी शूट नहीं कर पाए, बट बिकॉज इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स क्रेजी मतलब। और वहाँ पे फाइनली हम दोनों के रेनकोट्स मिले, तो अभी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। और अभी तक बहुत तेज़ बारिश हो रही है लिटरली, मतलब सुबह से मतलब नहीं रुकी है, थोड़ी थोड़ी तो हो ही जा रही है कॉन्टिन्यूस। तो चलो मैं लेके आती हूँ, मैं पहन के दिखाती हूँ आपको रेनकोट्स। ये देखो मेरे पे तो पेप्पा पिग है, देखो पीछे से दिखाओ। You liked it? Yes, very much. Pink color भी है ना इसका favorite. And my one is also pink with some special features. जैसे ये belt है. And ये देखो ये ना नीचे chain है and then ये वो जो होती है ना क्या बोलते हैं velcro बोलते हैं, तो वो भी है बीच बीच में। And ये देखो back से ऐसा look है इसका। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ दीदी, मेरे रेनकोट में ना देखो आपको कोई पॉकेट नहीं दिख रही ना, दीदी के में तो है, देखो ये दीदी के में दोनों साइड है, इधर भी और इधर भी पॉकेट्स भी है मेरे पास। एंड देन ये जो कैप करते हैं, तो फिर ये कहाँ है यार, वो ये चले गए होंगे, वो ऐसे दो रोप्स हैं जिनको पुल करके ऐसे टाई कर लेते हैं, तो फिर वो पीछे नहीं जाता और फिर ये दोनों ऐसे टाई हो जाते हैं, टाइट कर लेते हैं। सो इनकी क्वालिटी इन रेनकोट्स की भी बहुत अच्छी थी एंड वी लाइक इट अलॉट। कलर भी हम दोनों के फेवरेट ही थे, सो वी बॉट देम नाउ बिकॉज फैब्रिक इज ऑल्सो वेरी नाइस। ये देखो ये इतनी सारी टॉफीज है और कितनी सारी है ना, मैं दिखाऊं? हाँ। सो ये देखो सिगरेट, ओके। सो ये ना मम्मा के टाइम में, जब मम्मा छोटी थी 90s में ये तब आती थी, और आज लकली मतलब पता नहीं कैसे मिल गई है, वरना तो मिलती भी नहीं है कहीं, कैसे एक शॉप पे मिल गई। एंड मम्मा वॉज लाइक वेरी हैप्पी बिकॉज दिस वॉज वन ऑफ अ फेवरेट कैंडीज। सो ये ना पैंथम स्वीट सिगरेट्स है इसका नाम, ये देखो। एंड डोंट टेक इट सीरियसली, इट्स फॉर किड्स। बस ये एक टॉफ़ी जो मेंथॉल फ्लेवर होता है ना, वो बस उसकी टॉफी को एक सिगरेट के शेप में बस बना दिया गया है। डोंट टेक इट सीरियसली। बट अगर मजाक करना हो इसका, तो इसको लेके कर सकते हो। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखो ये जो ऊपर का पिंक पिंक है ना, ये दिस रिप्रेजेंट्स द फायर। सो ये होता है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर टाइप से, बट दिस रिप्रेजेंट्स द फायर। मैं आपको दिखाती हूँ। हमने ना एक बार ये टेस्ट करी थी, बहुत अच्छी थी। ये देखो एकदम सिगरेट लग रही है ना। बट दिस इज अ कैंडी एक्चुअली, और इसको आराम से खा सकते हैं ना पूरी को, मतलब ये नहीं कि कोई पार्ट जिसे नहीं खा सकते हैं नॉल, आराम से। अ कैंडी विच इज शेप्ड इन अ फॉर्म ऑफ अ सिगरेट, समझ लो। मैंने तो ये फर्स्ट टाइम देखी है जब मम्मा वो छोटी थी ना और ये खाती थी, तब मैं नहीं थी ना, मैं बॉर्न में नहीं हुई थी, इसलिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आपको कैसा लगा हमारा ये व्लॉग आज का? था तो छोटा सा ही, पर आज बहुत मजे आए। इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग डे ऑल्सो। ये देख के ना ऐसा मन करता है कि बस अभी खा लो। ये देखो। So, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।